शम शनेश चराये नमः। नमो नारायण दर्शकों, मैं नेहा सिंह, एहसास टीवी के इस खास कार्यक्रम आओ चलें श्री शनि धाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, शनि देव के नाम से अक्सर लोग डर जाते हैं, सिहर उठते हैं, कांप जाते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आसपास के लोगों ने अलग अलग तरह के भ्रम बना रखे हैं। लोग सोचते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि शनिदेव कृपालु हैं, दयालु हैं, शांतिप्रिय हैं और सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव न्यायप्रिय हैं और उनका न्याय सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इस कार्यक्रम द्वारा हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम शनिदेव के प्रति जितने भी लोगों के अंदर भ्रम फैले हैं, उन भ्रमों को दूर कर सकें और सच में शनिदेव की कृपा आप सब तक पहुंचा सकें। शनिदेव कर्म फल के दाता हैं। जैसा जिसका कर्म होगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। शनिदेव अगर दंडाधिकारी हैं तो शनिदेव इसी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। एक संवाद आपको सुनाती हूँ। एक बार लक्ष्मी जी ने शनिदेव से पूछा कि शनिदेव, आप अक्सर जिस पर दृष्टि डालते हैं वो रंक क्यों हो जाता है, उसका जीवन दुखों से क्यों भर जाता है। इस पर शनिदेव ने कहा कि माते, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं केवल न्याय करता हूँ। जैसे जिसके कर्म होते हैं मैं वैसा ही उसे फल देता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने एक गरीब व्यक्ति को धन दिया, उसे धनवान बना दिया और फिर शनिदेव को कहा कि अब आप इस व्यक्ति पर अपनी दृष्टि डालिए। जैसे ही शनिदेव ने उस व्यक्ति पर दृष्टि डाली, वो व्यक्ति दोबारा से गरीब हो गया। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, ऐसा आखिरकार क्यों हुआ? तब शनिदेव ने बताया कि माते, इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अनेक व्यक्तियों के घर उजाड़े हैं, गाँव के गाँव उजाड़े हैं, बहुत अहंकार भी दिखाया है और ये उन सब कर्मों का फल है। इस कथा से सिर्फ यही पता चलता है कि शनिदेव सिर्फ और सिर्फ न्याय करते हैं। ये जिम्मेदारी है उनकी, क्योंकि शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। चलिए दर्शकों, अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। ॐ शं 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 शनैश्चराय नमः। शं शनैश्चराय नमः। ॐ 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 शं
शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। भगवान सूर्य एवं माता छाया के पुत्र हैं शनिदेव। शनिदेव शिव के शिष्य और नारायण के भक्त हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग शनिदेव से डरते हैं। तरह तरह की भ्रांतियां शनिदेव के बारे में मन में पाले हुए हैं, और इन्हीं भ्रम और इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर शनिधाम दातीजी महाराज ने। दातीजी महाराज का कहना है कि शनि कृपालु हैं, और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि शनि कृपालु हैं, दयालु हैं, शांति प्रिय हैं। शनि कहीं ना कहीं हम सबको जीवन जीने की राह दिखाते हैं। जब हम गलत करते हैं, अहंकार में भर जाते हैं, शनि उन सब चीज़ों को दूर करते हैं। दाती जी महाराज महज 8-9 साल की उम्र में परमात्मा की ओर लीन हो गए थे, और इसी लीनता के चलते वे हिमालय चले गए, जहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि मानव जगत की, प्राणी मात्र की सेवा की जा सके। और तब से लेकर आज तक दाती जी महाराज केवल और केवल प्राणियों की सेवा कर रहे हैं। आइए आपको दाती जी महाराज के बारे में कुछ और चीजें बताते हैं। भारतवर्ष संतों, महात्माओं, गुरुओं एवं ज्ञानियों की धरा है। इन साधु संतों एवं महात्माओं में रची बसी है भारत की संस्कृति। समय समय पर साधु संत अवतार लेकर मनुष्य को सही दिशा एवं राह दिखाते रहे हैं, यानी संतों के मार्गदर्शन से ही यह संसार संचालित है। ऐसे ही परम संत, महान आत्मा, परम ज्ञानी, सर्वोत्तम गुरु, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, राष्ट्रप्रेमी, गौ एवं गरीबों के सेवक, श्री शनिदेव के उपासक, शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज है। दाती महाराज की अपनी गरिमा एवं महिमा है। परम ज्ञानी एवं दानी दाती महाराज आकांक्षाओं से रहित तथा परम पिता परम परमेश्वर की उपासना में लवलीन, एकाग्र एवं दक्ष है। दाती महाराज की महिमा का गुणगान एक संत के रूप में करें तो ये न कभी हर्षित होते हैं, न कभी शोक करते हैं, न कभी प्रसन्न होते हैं, न कभी उदास। शुभ एवं अशुभ कार्यों का त्याग करने वाले संत हैं दाती महाराज। दाती महाराज शत्रु एवं मित्र में, मान एवं अपमान में भी सम रहने वाली है। सुख दुख के द्वंद्वों में सम, आसक्ति से रहित संत शिरोमणि परमहंस दाती महाराज का जन्म 10 जुलाई 1950 को राजस्थान के जिला पाली के गांव अलावास में हुआ। दाती महाराज बचपन से ही महान आत्मा एवं तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। बाल्यकाल से ही इनका लगाव प्रभु से हो गया, अतः 9-8 वर्ष की अल्प आयु में इनका माया, मोह, तृष्णा, काम, क्रोध एवं मद से मोह भंग हो गया। सांसारिक सुखों एवं भोगों को त्याग कर दाती महाराज सच्चे सुख, परम ज्ञान एवं परमानंद की प्राप्ति हेतु परमात्मा की शरण में चले गए। वर्षों तक इन्होंने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में घोर तपस्या की। तत्पश्चात दाती महाराज ने संसार में व्याप्त ज्योतिष ध्यान तथा देवादिदेव श्री शनिदेव से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने की दिशा में न सिर्फ विचार किया, अपितु मनुष्यों के मन से उन भ्रांतियों को भी मिटाया। शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज की विद्या, ज्ञान एवं कृपा से आज असंख्य भक्त तथा श्रद्धालु लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दाती महाराज के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रथम सेवा, द्वितीय सत्संग तथा तृतीय सुमिरन।
परमहंस दाती महाराज निंदा को सम्मान समझने वाले मितभाषी समस्त प्राणियों के प्रिय तथा सभी को समरण समझने वाली है। दाती महाराज व्यक्तियों में व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, मनुष्यों को प्रभु प्रेम का एहसास कराते हैं, समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं तथा मनुष्य को जीवन मंत्र प्रदान करते हैं। दाती महाराज राष्ट्र प्रेम तथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मनुष्यों को प्रभु के धाम तक पहुंचाने में दाती महाराज मनुष्यों की मदद करती हैं। एक गुरु के रूप में दाती महाराज हमें ये ज्ञान प्रदान करती हैं कि हम जितना अंतर में जाएंगे हमें उतना ही अधिक प्रभु प्रेम का अनुभव होगा। दर्शकों, कालचक्र के साथ साथ मानव का जीवन भी चलता है। जिस तरह से कालचक्र चलता है उसी तरह से मानव के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख के समय कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन समस्याओं के समय, अपने दुख के समय अक्सर लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं। और दाती जी महाराज तो कहते हैं, जब आपके पास समस्याएं हों, जब आपके पास दुख हो, आप श्री शनिधाम आइए। और अक्सर लोग अपने दुख के समय जब श्री शनिधाम जाते हैं और जब वहां से वापस आते हैं उनका मन प्रफुल्लित हो उठता है, उनके रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ शनिदेव होते हैं। आइए उन लोगों के मुख से सुनते हैं कि आखिरकार उनके अंदर कैसी भावनाएं प्रफुल्लित हो उठी। यहाँ पर आने के बाद मैं ज्ञान की लाइन में भी हूँ, क्लासेस में भी छुट्टियां मार लेती हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आई तो एक अलग सा एंथुसियाज्म होता है और बहुत लेट उठने की आदत है, वो सब मेरी लाइट होती जा रही है। मेरा भाई मुझे यहाँ लेकर आता है, मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ कि मुझे टाइम से यहाँ पहुँचा दे, मुझे आना है। और आज भी ये था कि सैटरडे है तो शनिदेव की पूजा करनी होती है, मैं उसको 1 बजे से बोल रही हूँ मुझे ले चल, तो एक अलग सा एंथुसियाज्म है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मैं ये सोचूं कि मुझे कहीं सर झुकाना होगा या किसी के आगे। जैसे घर में हमारे सब मुरीद बने, लेकिन मैंने कभी किसी को मेरा दिल नहीं किया। लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे नहीं पता क्यों आपके आगे सर झुका, किस लिए हुआ और क्यों आपकी तरफ खींची, ये नहीं पता। मगर बस अब लगता है कि हाँ, जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। बहुत अच्छा है। और जो थैंक यू कहने आते हैं यहाँ पर शनिदेव से कि जो देता है वो अच्छा ही दे रहा है और ऐसे ही देता रहे। आके काफ़ी अच्छा लगा देख के, जैसे सोचा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फील अच्छा हुआ यहाँ के, मन एकदम अच्छा। हम तो हमारे तो हस्बैंड की जॉब छूट गई थी, हमें बहुत दिक्कत उठाई, लेकिन हमने 5 दिन की मन्नत मांगी थी तो मेरी 4 दिन हुए, मेरी इनकी हस्बैंड की जॉब लग गई। शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े हैं, वो किस व्यक्ति को क्या दंड देना है वो जस्टिस करते हैं। और मतलब यहाँ पे बहुत आते मन प्रसन्न हो जाता है और मन एकदम हल्का हो जाता है।